हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडिया लॉ एकेडमी। आज का जो टॉपिक है वो आयशा वाला केस है। आयशा का जो अभी सुसाइड केस हुआ है उससे रिलेटेड है, और इसमें हम जानेंगे जो फैक्ट थे केस के वो क्या थे, और क्या आगे इसमें जो कोर्ट प्रोसीडिंग हो रही है वो क्या हो रही है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, ये अहमदाबाद का केस है और साबरमती जो रिवर है उसमें आयशा जो 23 ईयर्स ओल्ड है उसने जो है उसमें कूद कर जान दे दी। और उसने काफ़ी इसके पीछे रीज़न भी बताए, और एक मतलब सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उसने बताया कि उसका हस्बैंड वगैरह उसको टॉर्चर करता था, और कुछ शक वगैरह बताया गया जो उसका दोस्त है उससे रिलेटेड। तो वो सब चीज़ें उसे परेशान होकर उसने ये कदम उठाया। अब उसके बाद हम नियरली 2 वीक्स आफ्टर आयशा बानो मकरानी जो 23 ईयर्स ओल्ड डाइड बाय सुसाइड बाय द जंपिंग इन द साबरमती रिवर, हर लॉयर जफर पठान हैज़ प्रेजेंटेड ए लेटर इन कोर्ट। कोर्ट में लेटर प्रेजेंट किया। इन द लेटर आयशा हाईलाइटेड द एट्रोसिटीज ऑन हर एंड सेड दैट शी वॉज लॉक्ड इन ए रूम फॉर 4 डेज। उस लेटर में उन्होंने ये बताया, जो लॉयर हैं आयशा के जफर पठान, उन्होंने ये बताया कि 4 दिन तक जो है आयशा को कमरे में बंद रखा, विच वॉज गिवन नो फूड, जिसमें ये भी बताया गया कि उसको 4 दिन तक खाना भी नहीं दिया गया। और फिर उसके बाद उसके साथ साथ एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि उसके हस्बैंड को भी अरेस्ट कर लिया गया है। गुजरात पुलिस ने अरेस्ट कर दिया है गया है जो कि भाग गया था, उसको पकड़ लिया गया है राजस्थान से, ठीक है। फिर उसमें जो है उसने बताया है, जो लेटर दिया है बताया है, जो उसका सुसाइड नोट है उसमें इसने रीज़न भी बताए हैं आयशा ने। तो इसमें बस कोर्ट वगैरह का जो आगे जजमेंट आएगा उसमें मैं अलग से कोई वीडियो बनाऊंगी। अभी देख लेते हैं उसने क्या सुसाइड नोट में क्या लिखा है। आई वॉज शैटर्ड व्हेन यू एडिड माई नेम विद आसिफ। मतलब उसने कहा कि मैं परेशान हो गई थी जब आसिफ से मेरा नाम जोड़ा गया है। उसने आयशा ने अपने बारे में कहा कि आसिफ से नाम जोड़ने की वजह से वो परेशान होकर ये कदम उठाई है। ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड एंड ब्रदर, उसने उसको बेस्ट फ्रेंड और भाई बताया अपना। व्हेन आई वॉज प्रेगनेंट यू डिड नॉट कम, और उसने ये भी कहा कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो वो उसका हस्बैंड उसके सपोर्ट में नहीं आया। हर लेटर रीड फर्दर मोर, आयशा इन हर लेटर कन्फेस्ड दैट शी वॉज इन लव विद आरिफ बट ही रूइंड 2 लाइव्स। उसने ये भी कहा कि वो अपने हस्बैंड को मतलब डाइवोर्स वगैरह नहीं चाहती, उसके साथ रहना चाहती है, उसको चाहती उसके मतलब लव करती है, लेकिन वो जो है उसके 4 दिन तक खाना नहीं दिया जबकि वो प्रेग्नेंट थी, और उस वजह से उसका बच्चा भी, और उसे मारा भी तो उसका बच्चा भी मतलब मर गया विद वॉम्ब। तो वो सब चीज़ें उसने कही कि मैं मतलब अपने हस्बैंड के साथ चाहती तो है वो रहना, और साथ ही साथ वो अपने हस्बैंड को पसंद भी करती थी, प्यार भी करती थी। आरिफ हैड कन्फेस दैट ही हैड अनादर वुमेन इन हिज लाइफ। आरिफ ने ये कन्फेस किया कि उसकी लाइफ में कोई और औरत भी थी, एंड हैड क्लियरली सेड दैट ही वुड नॉट लीव हर फॉर आयशा, और उसने ये भी कहा था कि आयशा की वजह से वो उसे छोड़ नहीं सकता। आरिफ की बात हो रही है यहाँ पे। दिस हैड लेफ्ट आयशा हार्ट ब्रोकन, जिसकी वजह से आयशा का दिल टूट गया। बट फॉर द सेक ऑफ हिज पेरेंट्स शी केप्ट मम, मतलब उसने जो है आयशा को छोड़ा नहीं उसके अपने पेरेंट्स के कहने पर। पठान स्टेटेड एडिंग दैट शी ऑल्सो सफर्ड ए मिसकैरेज ड्यू टू मैरिटल डिसऑर्डर, ठीक है। उसने ये भी बताया कि उसका डिसकैरेज हुआ था आयशा का ड्यू टू मैरिटल डिसऑर्डर की वजह, डिसकॉर्ड की वजह से। फिर अक्यूज्ड हस्बैंड अरेस्टेड, जो अक्यूज्ड हस्बैंड था आयशा का आरिफ, वो अरेस्ट हो गया। गुजरात पुलिस अरेस्टेड आरिफ खान फ्रॉम राजस्थान पाली, राजस्थान के पाली जगह से। खान ए नेटिव ऑफ जेलोर वॉज नॉट फाउंड एट हिज रेजिडेंट, वो अपने रेजिडेंट से नहीं मिला। एंड द पुलिस टीम रीच देयर, जब पुलिस टीम वहाँ गई वो अपने घर से भाग चुका था। तो पुलिस ने कहाँ से पकड़ा उसको, राजस्थान के पाली से। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस सेक्शन सेक्टर 1 RV असारी सेड दैट खान हैड फ्लीड आफ्टर ही वॉज बुक्ड ऑन द चार्जेस ऑफ एबिटिंग द सुसाइड ऑफ हिज वाइफ आयशा। उसके ऊपर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस फाइल किया गया है आयशा के हस्बैंड पर, बेस्ड ऑन ए टिप ऑफ वी नेब्ड हिम फ्रॉम पाली, वो पाली से अरेस्ट कर लिया गया। वेयर ही हैड गॉन टू अटेंड ए वेडिंग, जहाँ पर वो एक शादी अटेंड करने जा रहा था। ही हैज़ बीन ब्रॉट देयर
by the city police of for police for further investigation के लिए उसको वापस पुलिस स्टेशन लाया गया. असारी सेड गो डाई इफ़ यू वॉन्ट टू एंड सेंड मी ए वीडियो. उसने असारी जो पुलिस कमिश्नर उसने ये बताया कि उसके हस्बैंड ने अपनी वाइफ से कहा था, आयशा से कहा था कि तुम मरना चाहती हो मरो, लेकिन मुझे एक वीडियो सेंड कर देना बिफोर जंपिंग इनटू द रिवर, रिवर में कूदने से पहले, जिससे कि मेरे ऊपर कोई नाम ना आए. ये कहा था उसने. आयशा ऑल्सो स्पोक टू हर हस्बैंड एंड पेरेंट्स एज पर द एफ आई आर लॉस्ड बाई द डिसीज्ड वुमेन्स फादर एट साबरमती रिवर फ्रंट वेस्ट पुलिस स्टेशन. द accused had allegedly tortured her and told her die if you want to and send me a video. आयशा ने एक वीडियो भी बनाई मरने से पहले, जिसमें उसने बताया कि उसका हस्बैंड ने कहा था कि अगर तुम मरना चाहती हो मरो, लेकिन मेरे लिए मतलब मरने से पहले एक वीडियो छोड़ जाना, जिससे मेरे ऊपर कोई एलिगेशन ना लगे. उसका यही एक मतलब इंटेंशन था. अकॉर्डिंग टू द पुलिस, आयशा हैड मैरिड द एक्यूज इन 2018 में मैरिज हुई थी एंड शिफ्टेड टू राजस्थान, और राजस्थान में शिफ्ट हो गई थी, बट हैड रिसेंटली मूव्ड बैक टू हर पेरेंट्स प्लेस इन वतवा एरिया ऑफ द सिटी. और उसके बाद वो अपने हस्बैंड का घर छोड़ के अपने फादर के घर रहने लगी थी. इन द वीडियो आयशा कैन बी हार्ड हियर सेइंग She was not talking, taking the step under any pressure. उसने ये भी कहा आयशा ने वीडियो में कि वो किसी प्रेशर में ये कदम नहीं उठा रही है. The victim had also allegedly told her parents that she did not want her husband in her life. उसने ये भी कहा अपने फादर से कि वो अपने हस्बैंड को अपनी लाइफ में नहीं चाहती एनी मोर अब आगे से, एंड दैट शी वॉज ट्राइड ऑफ लाइफ टायर्ड. उसने ये भी कहा कि मैं अपनी लाइफ से परेशान हो चुकी हूँ. द पुलिस सैड मतलब वो मरना चाहती थी अपनी मर्जी से, और ये भी कहा उसने कि वो अब अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती. तो इसके पीछे अब हम यहाँ तक का तो ये लीगल केस चल रहा है, जो भी है ये फैक्ट भी हैं केस के और वो भी हैं. अब आगे कोर्ट या पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन करती है उसके बारे में हम आगे जानेंगे, क्या जजमेंट आता है इसका. और इसमें अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जो है उसका केस बना. अबेटमेंट ऑफ सुसाइड से मतलब होता है किसी भी पर्सन को सुसाइड करने के लिए मजबूर करना, जो कि उसके हस्बैंड के ऊपर ये चार्जेस लगें, जो कि आईपीसी में जो है एक तरह का क्या माना जाता है, क्राइम माना जाता है. और इसलिए अभी जो है इसके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो कि सेक्शन 306 में दिया गया है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के बारे में. अब हम अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा क्या कहता है, क्योंकि हम लीगल स्टूडेंट हैं तो उसके बारे में जानना हमारा बनता ही है. 306 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, इफ़ एनी पर्सन कमिट सुसाइड, अगर कोई पर्सन सुसाइड करता है, वू एवर अबेट्स द कमीशन ऑफ सच सुसाइड, या सुसाइड करने की धमकी देता है या उस प्रोसेस में किसी भी जाता है, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years, जिसमें जो है 10 years के लिए उसको सजा दी जा सकती है, imprisonment दिया जा सकता है, and shall also be liable to fine, और साथ के साथ fine भी दिया जा सकता है. इसमें abetment of suicide से मतलब ये आता है कि अगर कोई person किसी दूसरे person को, जैसे यहाँ पर इस केस में आयशा को उसका husband जो है टॉर्चर करता था ये कहा जा रहा है, और उसके ऊपर शक करता था कि उसका किसी से अफेयर वगैरह है, तो उसे और मरने की मतलब अगर वो कहती थी मतलब शक करने बहुत ज़्यादा अबेटमेंट टू सुसाइड का ही एक केस निकल के आता है कि किसी पर्सन को मेंटली इतना टॉर्चर कर देना कि वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाए, तो वहाँ यहाँ पर इस तरह से इसे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड से जो पुलिस है वो केस बनाया है, और इससे मिला मतलब इसे मानते हुए अबेटमेंट ऑफ सुसाइड मानते हुए केस फाइल किया गया है. ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो आयशा जो मर्डर के मर्डर तो नहीं कह सकते, आयशा सुसाइड केस कह सकते हैं इसको, आयशा सुसाइड केस से रिलेटेड है. और इसमें जो है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड वाला भी हमने लीगल स्टूडेंट होने के नाते हमने वो देख लिया. अबेटमेंट ऑफ सुसाइड से रिलेटेड भी काफ़ी और केस हैं, वो हम जैसे कि विक्रम सिंह वर्सेस अननोन 2010 का केस है 23 अगस्त में. और फिर इसके अलावा जो केस है एक और गगन राम खत्री वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 8 अगस्त 2006 का केस है.
ये इस तरह के जो केस हैं वो जो है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के ही हैं। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड से मतलब किसी पर्सन को इतना मजबूर कर देना कि वो सुसाइड कर ले, या तो उसे मेंटली या फिजिकली टॉर्चर करके। ठीक है, यहाँ पे आयशा के साथ भी ऐसे ही किया जा रहा था, उसको जो है शक किया जा रहा था उसके हस्बैंड के द्वारा, और उसे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर कर रहा था, तो वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस बनता है। अब इसमें जो पनिश में वो 10 ईयर्स हैं और साथ के साथ फाइन भी, या दोनों हो सकता है, या सिंगल पनिश किया जा सकता है। और अगर ज़्यादा ही मतलब ज़्यादा ही उसके खिलाफ किसी पर्सन के या आरिफ के खिलाफ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलते हैं तो फाइन भी लगाया जा सकता है, ये डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेशन पर। आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं। अभी तक आपने कर दिया होगा आई होप, लेकिन अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू सो मच।